हेलो एवरीवन, कल रात में मेरे साथ कुछ डिस्टर्बिंग हुआ और मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करना चाहूंगी। जैसे कि आप जानते हैं, मेरे नाना मेरे साथ रहते हैं, वो काफी ओल्ड है, ही इज 87 ईयर ओल्ड। और कल रात तकरीबन 3:30 बजे वो उनको कुछ तकलीफ हुई। जितना मुझे समझ में आया उनकी कंप्लेंट से, मुझे ये समझ में आया कि शायद उनको यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो गया था, जिनकी वजह से वो काफी पेन में थे और उनको तकलीफ हो रही थी। एंड वो इंसिस्ट कर रहे थे कि उनको डॉक्टर के पास लेके जाया जाए, क्योंकि वो पेन बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। मैं बहुत ही स्केप्टिकल थी उनको हॉस्पिटल लेके जाने के लिए, क्योंकि जैसे हम सब जानते हैं कोविड बहुत फैला हुआ है और उनकी उम्र के लोगों को तो हॉस्पिटल के करीब भी नहीं लेके जाना चाहिए, क्योंकि हॉस्पिटल इज अ हब ऑफ यू नो इन्फेक्शन एट द गिवन टाइम। बट फिर भी मैं उनको रात में लीलावती हॉस्पिटल लेके गई अपने मामू और बहन के साथ, क्योंकि आई नीडेड अ मेल मेंबर विद मी, सिंस यू नो आई वुड नॉट नो हाउ टू डिस्कस दिस एंड आस्क हिम क्वेश्चंस नॉर्मली। तो लीलावती हम पहुंचे और उन्होंने एक कोविड वार्ड बनाया हुआ है, यू नो बेसमेंट टाइप एरिया में, बिफोर यू कैन गो टू द इमरजेंसी वार्ड ऑफ देयर्स टू गेट ट्रीटेड। तो वहां जाके पहले स्क्रीनिंग करनी होती है टू सी वेदर द पेशेंट और द पर्सन दैट्स कम उसको कोविड है या नहीं। तो हम गए वहां पे, इट वॉज सरप्राइजिंग दैट फर्स्ट दे वॉन्टेड अस टू रियली एंटर इन टू द कोविड वार्ड, नोइंग के यू नो इतने ओल्ड इंसान को उसके नजदीक भी नहीं लेके जाना चाहिए है, क्योंकि दे आर मोर प्रोन टू इन्फेक्शन। तो आई इंसिस्टेड कि अंदर तो हम नहीं जाएंगे, बट जो एरिया है हम वहां पे बाहर खड़े रहेंगे और जो भी स्क्रीनिंग करनी है आप वहां कर लो। तो दे गॉट दैट गन फीवर जिससे चेक करते हैं, तो फीवर नाना का नॉर्मल आया। उन्होंने फिर वो क्या ऑक्सीजन लेवल्स चेक करते हैं, वो भी माशाल्लाह से मेरे नाना का एकदम सही था। सो ऑफकोर्स ही हैज नो कोविड, क्योंकि जब से लॉकडाउन हुआ है उसके बाद से कल रात में पहली दफा उनको बाहर निकाला गया था। उस इतने सारे दिनों में, ये सारे लॉकडाउन के दौरान वो घर में ही थे, सो देयर वाज नो चांस कि उनको कोविड होता। बट एनीवेज वो सब करने के बाद ये अंदर गए हैं जो वो थे उनके अटेंडेंट, एंड पता नहीं क्या कर रहे थे। एंड माई नाना वॉज फीलिंग रियली वीक, वो खड़े भी नहीं हो पा रहे थे, बट मैं उनको वहां पे कहीं बिठा नहीं पाती थी, क्योंकि आई वॉज वेरी स्केर्ड कि कहीं से भी कुछ इन्फेक्शन ना लग जाए। आई वॉज वेरी वेरी पैरानॉइड एंड स्केर्ड फॉर माई नाना। तो एक दूसरी अटेंडेंट आई बाहर थोड़े टाइम के बाद, जब मैंने अंदर वहां पे नजदीक जाके उनको बोला कि भाई जरा देखो वो ओल्ड हैं और उनको नहीं हो रहा है वेट करने के लिए इतना, तो जरा जल्द से जल्द बताएं कि क्या करना है, हमको ऊपर इमरजेंसी वार्ड में जाने दीजिए, क्योंकि अभी तो आपने टेम्परेचर भी चेक कर लिया है, ऑक्सीजन लेवल्स भी चेक कर लिया है और कुछ मतलब ऐसे प्रॉब्लम तो दिख नहीं रहा है। तो वो आती है और थोड़े टाइम के बाद पता नहीं उसने अंदर से किसको कॉल किया क्या किया, और शी कम्स आउट एंड शी टेल्स मी कि हमको एक कोविड टेस्ट करना होगा, और जिसके रिपोर्ट्स ऑलमोस्ट 45 मिनट्स टू 1 आवर में आएंगे, और हमको चेस्ट का सिटी स्कैन करना होगा, और उसके बाद ही हम कैजुअलिटी जो मेन हॉस्पिटल में है उधर जाने दे सकते हैं। तो मैंने पूछा कि भाई टेम्परेचर चेक किया है, ऑक्सीजन लेवल्स चेक किए हैं, ये मेरे जो नाना है वो पूरे लॉकडाउन में घर में ही थे, आज पहली दफा निकले हैं बाहर, तो मतलब क्यों, आई मीन एक इंसान, इतना बुढ़ा इंसान, वो इतनी तकलीफ में है, तो उसको इमीडिएट ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले, मतलब यू ऑलरेडी क्लैरिफाइड कि देयर इज नो फीवर और ऑक्सीजन लेवल्स भी ठीक हैं, तो फिर भी आप चाहते हैं कि कोविड टेस्ट हो और 1 घंटे के बाद रिजल्ट आए और फिर आप ट्रीटमेंट शुरू करें, तो ये मुझे समझ में आया नहीं। उसके बाद जो सिटी स्कैन बोल रहे थे चेस्ट का, वो उसके लिए वो मेन हॉस्पिटल में ही भेजने वाली थी, तो मैंने वही पूछा कि जब आप सिटी स्कैन के लिए मेन हॉस्पिटल में भेज रहे हो तो उससे अच्छा आप कैजुअलिटी में क्यों नहीं भेज के ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते। तो शी इज लाइक नहीं, ये हमारा प्रोटोकॉल है, इससे इसके अलावा हमको तो ऐसे ही काम करना है, तो हम नहीं कर सकते, वरना यही है। एंड शी वॉज वेरी रूड। तो मुझे ये सारा समझ में आया नहीं, मतलब एक इंसान, इतना जईफ इंसान, 87 ईयर ओल्ड इंसान, जिनको वहां पे खड़े होने नहीं हो रहा था, जो इतनी तकलीफ थी, इसलिए हम उनको रात में, इतनी रात में हॉस्पिटल ले गए। तो ट्रीटमेंट शुरू, मतलब अपना जो उन्होंने देख लिया कि फीवर नहीं है, ऑक्सीजन लेवल्स ठीक है, इंसान पूरे लॉकडाउन में बाहर नहीं निकला है,
कल रात में पहली दफा इतने महीनों बाद बाहर निकला है, फिर भी उनको एक कोविड टेस्ट करना था जो एक घंटे बाद रिपोर्ट आती, और सिटी स्कैन करना था जो हॉस्पिटल में जाके ही है बट वही सेम हॉस्पिटल में जो कैजुअल्टी वार्ड है वहां पे नहीं जाने देना था। तो ये मुझे बिहेवियर समझ में आया नहीं। ये हॉस्पिटल लीलावती हॉस्पिटल है और आई हैड अ वेरी डिस्टर्बिंग एक्सपीरियंस, क्योंकि मतलब एक इतने ज़ईफ इंसान को यू कैन नॉट केटर एंड यू हैव टू यू नो डू दीज थिंग्स। मतलब मैंने सिर्फ आज तक सुनती आ रही थी दोस्तों से और पहचान वालों से कि जो भी हो जाए इस दौरान हॉस्पिटल नहीं जाना क्योंकि उन्होंने बिजनेस बना रखा है। और कल जो मैंने एक्सपीरियंस किया मुझे एक्चुअली ये बात सही लग रही है अभी, सो आई जस्ट थॉट कि मैं आप लोगों से ये शेयर करूं क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही डिस्टर्बिंग था कल, और उन्होंने बिल्कुल भी हेल्प नहीं की। ये नहीं देखा कि यू नो इतने ओल्ड है मेरे नाना और यू नो ही नीड्स ट्रीटमेंट ASAP, बट दे वॉन्टेड ऑल दीज टेस्ट एंड ट्रीटमेंट्स टू बी डन। ऊपर से मैंने उनको ये भी कहा कि यू नो आप जब अपने फीवर चेक कर लिया है, अपने ऑक्सीजन लेवल्स चेक कर लिया है, तो फिर आपको चेस्ट का सिटी स्कैन क्यों करना है। तो उनका ये रिप्लाई था कि ये जो अंदर कोविड वार्ड में पेशेंट्स पड़े हैं उनका भी सब ठीक है लेकिन उनको फिर भी कोविड है और वो अंदर पड़े हैं। तो आई रियली डोंट अंडरस्टैंड दिस बिहेवियर। आई मीन ये लोगों को हम कोविड वॉरियर्स बोल के सराह रहे हैं और इनकी मतलब इतनी प्रशंसा कर रहे हैं, एंड दिस इज हाउ दे बिहेव व्हेन यू आर एक्चुअली इन नीड। सो आई एम वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड विथ यू नो लीलावती हॉस्पिटल। फाइनली नाना को हमने वो सब एंटर नहीं करने दिया बिकॉज आई एम वेरी स्केर्ड फॉर माई नाना, ही इज रियली ओल्ड और मैं नहीं चाहती कि उनको किसी भी तरीके का इन्फेक्शन लगे। तो हमने उन्हें वापस घर लेके आ गए, जो यू नो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन की मेडिकेशन जो मुझे थोड़ी बहुत पता है, जो यू नो मैं लेती हूँ कभी कभार अगर खुद को हो गया तो वो मैंने नाना को दिया, जिस वजह से जिससे उनको थोड़ा बहुत रिलीफ मिला। एंड देन यू नो अर्ली मॉर्निंग वी टुक हिम टू अनदर डॉक्टर जो उनको ट्रीटमेंट और दवा दिया है। सो आई एम वेरी 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 डिसअपॉइंटेड विथ द अटेंडेंस एंड द बिहेवियर एंड एटीट्यूड ऑफ लीलावती हॉस्पिटल। थैंक यू।